ठीक है वेलकम बैक टू चैनल रियल दैनल सिन्हा एंड वेलकम बैक टू दी डे टू सो डे टू आ गया है और इसमें मैं अपने हेयर के लिए क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और उठने के बाद जो बेसिक काम करने का जब मैं फ्री हो जाती हूँ बिकॉज आई हैव टू डू माई हाउस वर्क आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बेबी तो जब मुझे टाइम मिलता है तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से सबसे पहले अपने स्कैल्प में मसाज करती हूँ और ये मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ लाइक नौ बजे से पहले ये चीज़ें मैं कर चुकी होती हूँ अपने हेयर के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं छः बजे उठ के कर लेती हूँ पाँच बजे उठ के कर लेती हूँ कभी कभी डिले भी हो जाता है तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि आपको सिर्फ अर्ली मॉर्निंग करना है जब भी आपको टाइम मिलता है उस मॉर्निंग के टाइम पर आप अपने जेंटल हैंड से उठने के बाद मसाज कीजिए क्योंकि मुझे पता है अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो कितना काम हो जाता है ऐसा नहीं कर सकते कि सुबह उठते ही अपने में लग जाए तो जब भी टाइम मिले ये मॉर्निंग रूटीन कीजिए और इस मॉर्निंग रूटीन का एक सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पे बना हुआ है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और यहाँ पे लाइट गैस थोड़ी सी इधर उधर हो गई है क्योंकि जब अकेले वीडियो बनाओ तो कभी कभी कैमरे का फोकस हट जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं नाइसली कॉम कर रही हूँ और कॉम जो है वाइट टीथ वाली कॉम कीजिए अच्छे तरीके से अपने हेयर पर और सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको बॉटम ऑफ द हेयर जो हेयर की लेंथ है वहाँ से स्टार्ट करना है एंड अगेन मैं मसाज कर रही हूँ और मसाज का गैस मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट राइट लाइक नाइन्टी डेज का जो मैंने आपको दिखाया ट्रांसफॉर्मेशन उसमें मैंने मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल ही ऑलमोस्ट किया ही है कभी ऐसा हुआ होगा कि छूट गया होगा बट मैंने वो किया ही है और रात को भी सोते टाइम में मसाज करती हूँ डे में मसाज करती हूँ अगर मैं डे में मसाज कर लेती तो मैं रात में नहीं करती हूँ और उसके बाद अगर आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है तो फिर आप बहुत ज़्यादा मसाज ना करें हल्के हैंड से मसाज करें तो ये था मॉर्निंग का हेयर फॉल तो इतने बाल आज मेरे मॉर्निंग में टूटे उसके बाद मैंने फटाफट घर का काम कर लिया क्योंकि घर का काम भी करना ज़रूरी होता है तो यहाँ पर क्लिनिंग वगैरह हो गई है कभी भी आप घर पर अपनी क्लिनिंग करते हैं तो हमेशा अपने बालों को टाई कर लीजिए ताकि उसमें डस्ट ना जाए मिनिमम डस्ट जाए तो यहाँ पर गुब्बों को सुलाने के बाद मैं बात लेने चली गई और बात करने के बाद क्योंकि आज मैं हेयर वॉश नहीं कर रही हूं आपको लेस हेयर वॉश करना है ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा हेयर वॉश करना है उससे क्या होता है आपके हेयर का जो मॉइस्चर है वो चला जाता है और आपके हेयर एनी रफ हो जाते हैं तो हेयर वॉश करने के बाद क्योंकि गुब्बो सो रही थी और मुझे अच्छा टाइम मिला तो यहाँ पर मैं सर्कुलर मोशन में मसाज कर रही हूँ ये मैं ट्राई करती हूँ कि वीक में चार दिन में कर लूँ मतलब रोज में ना अगर नहीं अगर कर सकती हूँ या कोई दिक्कत है तो मैं कर लेती हूँ ऑल ये जो मेरी बालकनी इसमें खड़ा होना मुझे बहुत पसंद है तो जब भी मैं भी यहाँ पे खड़े होने जाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि अब मैं अपने स्केल पे धीरे धीरे स्लोली हैंड से मसाज करूँ बट अगर बहुत सारे लोग होते हैं ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया जब मुझे हेयर फॉल हो रहा था तो फर्स्ट मंथ जस्ट मैंने राइस वाटर अप्लाई किया ऑयल अप्लाई किया और मॉर्निंग रूटीन किया इतने बार मैं मसाज नहीं करती थी क्योंकि मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा निकल रहे होते थे बट अब जब मेरे हेयर्स जो हैं बहुत ही मिनिमम मतलब कि मेरा हेयर फॉल हो चुका है तो आई एम गिविंग मोर मसाज क्योंकि मुझे चाहिए मेरे पुराने वाले बाल स्टिल जो मेरे हेयर ग्रोथ है गई इसमें उस लेवल पर नहीं पहुँची हूँ तो जल्दी मैं आपको वन डेज का जो चेंजेस आया वो दिखाऊँगी सो डे टू में बस आपको इतना ही करना है इसके अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं करना है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और ये सारी वीडियो में इसलिए बस शूट करूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिले कि कैसे करना है कोई कन्फ्यूजन ना रहे ओके सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो डे थ्री